पीएम कार्यालय से उन समस्याओं को उठाना कांग्रेस पार्टी का नैतिक कर्तव्य है और हम संघर्ष की राह पर चलकर सत्याग्रह करना हमारा धर्म है। और ये जलकल के करीब लगभग 150 कर्मचारी 6 माह से वेतन के लिए घर घर भटक रहे हैं। ईओ से बात करते हैं, ईओ नहीं सुनता है, तो यहाँ पर ईओ ही नहीं, श्रीवास्तव जी थे चले गए सब तालमेल करके। दूसरा, यहाँ के चेयरमैन और लोग मिलकर इनको धमकाते हैं कि तुम्हारी संविदा समाप्त कर देंगे अगर ज़्यादा नेतागिरी करोगे। मतलब मजदूरी मांगने पर उनको नेता बताया जाता है। और कोरोना से ऐसे ही पूरा जनपद सहित पूरा देश परेशान है, इनकी रोजी रोटी का संकट है, इनके सामने दिक्कतें हैं। अगर इनको 6 महीने वेतन नहीं मिलेगा और काम करेंगे तो परिवार के सामने भुखमरी के कगार पर परिवार पहुंच जाएगा। इनको लेकर हम पहले भी इनको एक अवगत कराए थे कि समस्याओं से जब निस्तारण नहीं हुआ तो आज हमने डीएम से फिर बात की। हमने कहा अगर एक हफ्ते के भीतर इनका निराकरण नहीं होता है तो हम सत्याग्रह करेंगे इनकी समस्याओं को लेकर। तो डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि आज बोर्ड की बैठक हो रही, मैं इनको वेतन दिलाने का काम करता हूँ और आज आदेश निर्देशित करता हूँ कि इनका वेतन दिया जा सकता है। के माध्यम से डीएम साहब को एक पत्र दिया है जो जल्द से जल्द इसमें लिखा हुआ है कि जल्द से जल्द 6 माह का वेतन का भुगतान करेंगे।